और कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं यहाँ। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा। जीजी आप आइस पाइस खेलते हो? खेलती हूँ। हम कभी कभी खेलेंगे, यहाँ छुपने के लिए बहुत जगह है, और अगर मैं छुपूंगी ना तो कोई मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। तुम्हें आइस पाइस खेलने में इतना मजा आता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। कभी देखा नहीं क्या? देखा है बहुत बार, भोली बुआ है ना उनके घर था, पर वो टीवी इतना अच्छा नहीं था, उसमें तो रंग ही नहीं आते थे। समझ गई, रंगीन फोटो नहीं दिखाई देते थे ना, सब कुछ काला और सफेद ही दिखाई देता होगा। हमारे घर में भी पहले वैसा ही टीवी था, ये तो अभी अभी आया है इस नए घर के लिए। पता है बापू ने जयपुर से मंगवाया है, पूरे गांव में इतना बढ़िया टीवी किसी के पास भी नहीं है। तुम्हें अच्छा लगा ना? हाँ, बहुत अच्छा और बहुत सुंदर। ये तो दिन भर लड़ता रहेगा, चलो हम कमरा साफ करते हैं। चलो इसे कोई डांटता नहीं क्या? एक नंबर का बदमाश है। दादी ने इसे सर चढ़ा के रखा है, ना तो खुद डांटती है और ना किसी को डांटने देती है। क्यों? लड़का है ना। लड़का है तो क्या हुआ, कोई पर लगे है क्या इसके? और कोई कुछ नहीं कहता तो आप तो इसके कान खींच सकते हो ना, बड़ी हो कुछ तो अक्ल सिखाओ इसे, जम के डांटो इसे। ये क्या डांटेगी मुझे, चोटी नहीं खींच दूंगा इसकी। और अगर मुझसे लड़ाएगी तो जंगल कौन जाएगा जब वो बुलाएंगे? कौन मिलने बुलाएगा? कौन सा जंगल? मैं भी चलूंगी। तू क्या करेगी वहां जाकर, और तुझसे मिलने कौन आएगा? मैं तो सिर्फ सुगना जीजी को लेकर जाऊंगा। चुप करना चकू। मैं चलूंगी, जरूर चलूंगी। जीजी आप मुझे अपने साथ ले जाओगी ना? अच्छा बाबा, हम तुम्हें अपने साथ लेके जाएंगे, पहले हम कमरा साफ कर ले। हे भगवान, ऐसे कोई किताब को फेंकता है भला? इसमें तो सरस्वती माता का वास होता है। टीचर जी कहती थी जो भी किताब को ऐसे फेंकता है वो जिंदगी भर के लिए बुद्धू रह जाता है, एकदम अंगूठा छाप। अरे वाह, ये किताब तो मैंने पढ़ी ही नहीं। जीजी मैं पढूं? जीजी से क्या पूछ रही है, ये मेरी किताब है, तू नहीं पढ़ेगी, ला दे मुझे। पढ़ूंगी, 100 बार पढ़ूंगी। नहीं बोला ना? जग्गू तो क्यों इतनी डर जमा रहा है, पढ़ने देना उसे, तेरी किताब घिस जाएगी क्या? पढ़ भाभी। भारत में समाज सुधार आंदोलन के अग्रदूत राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों की कड़ी आलोचना की। खबरदार, जो जगदीश के सामान को हाथ भी लगाया तो। मैं तो कमरा साफ कर रही थी, कितना गंदा कर रखा था इसने, इसीलिए। जब देखो जगदीश की शिकायत करती रहती है, तू इसकी बींदनी है कि दुश्मन? मुझे क्यों डांट रही हो, मैंने क्या किया? आपके पोते ने। चुप रे छोरी, कैंची की तरह जबान चलती है थारी, कतर 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 कतर। सुमित्रा, क्या हुआ मासा? कहाँ मगन रहती है तू, अपनी इस लाडली बिंदड़ी को संभालती क्यों नहीं? अरे कुछ अच्छे संस्कार सिखाना इसे, नहीं तो एक दिन बहक जाएगी ना तो बेलगाम घोड़ी की तरह सर पर दौड़ेगी और थारी छोरी को भी बिगाड़ देगी। अरे घर गृहस्थी के काम करवाने में पंडित जी से मुहूर्त निकलवाने की बात देख रही है क्या? सासू माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस किताब पढ़ रही थी। सुन, पढ़ना लिखना छोरे करे हैं, छोरियाँ नहीं। लेकिन बापू के घर तो मैं करती थी।
अपने बापू के यहाँ जो करती थी वो यहाँ नहीं चलेगा। अब इन किताबों में आंखें फोड़ना बंद कर और घर गृहस्थी के काम सीख। सुमा, बाल विवाह क्या होता है? टीचर जी भी कुछ ऐसा ही बोल रही थी मेरे ब्याह वाले दिन। वो जब किसी घर की बेटी यानी बच्ची ब्याह करके दूसरे के घर जाती है, या घर का बेटा यानी बच्चा ब्याह के बिंदनी को अपने घर लाता है, तो उसी को बाल विवाह कहते हैं। जैसे मेरा ब्याह? हाँ, जैसे तेरा ब्याह। तो उसमें बुरा क्या है? कितना मजा आता है ब्याह में, नए नए कपड़े, सुंदर सुंदर गहने पहनो, खूब सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ खाओ, बाजे गाजे नाचना। फिर राजा राम मोहन राय जी बाल विवाह के बारे में बुरा क्यों कहते हैं? कौन राजा राम मोहन राय? अरे वही तो मैं पढ़ रही थी, जगदीश की किताब में लिखा है उनके बारे में, आपने नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा बेटा, बहुत पहले, इतनी पुरानी बातें कहाँ याद रहती हैं। सासू माँ, ये अच्छी बात नहीं है। टीचर जी कहती थी जो भी पढ़ो वो जिंदगी भर याद रखो, नहीं तो पढ़ाई का क्या मतलब। अच्छा सुन, इसे साफ कर दे जरा, ये ले। बताया नहीं सासू माँ, राजा राम मोहन राय जी बाल विवाह को बुरा क्यों कहते हैं? तुझे इसकी सब्जी कैसी लगती है? लौकी? मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मैं तो कभी ना खाऊं। और गट्टे की सब्जी? वो तो बहुत पसंद है, आज आप गट्टे की सब्जी बनाओगे? मेरी माँ गट्टे की सब्जी बहुत चक्का बनाती है। आनंदी बेटा, तूने अभी कहा ना तुझे लौकी की सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मगर मुझे लौकी बहुत अच्छी लगती है। जग्या को आलू मटर बहुत भाता है, लेकिन सुगना आलू मटर को देखते ही मुंह बनाती है। अब हर किसी की पसंद तो एक जैसी नहीं हो सकती ना बेटा। वो क्या नाम बताया था तूने उनका? किसका? वो जग्या की किताब में राजा राम मोहन राय। हो सकता है उन्हें बाल विवाह पसंद नहीं होगा, इसीलिए बुरा कह दिया। समझ गई। सासू माँ, आज पक्का आप गट्टे का साग बनाओगी ना? मैं अभी जाकर सुगना जीजी को बताकर आती हूँ। अच्छा जा।